ये डिफरेंस होता है एक्चुअली, क्या होता है कि PS2 जब आप यूज़ कर रहे हो ना, तो कभी कभी आपने सिस्टम में अपना माउस निकाल लिया PS2 को, विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो, XP यूज़ कर रहे हो, और आपने PS2 प्लगिंग किया, तो कभी कभी क्या होता है उसके जो ड्राइवर्स होते हैं इंस्टॉल नहीं होते, वो दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश करता है, तो वो काम PS2 के ड्राइवर्स। हाँ, तो क्योंकि हर चीज़ में छोटी छोटी प्रोग्रामिंग होती है, तो आप दोबारा से प्लगिंग करते तो वो काम नहीं करता है, फिर आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। पर USB में ऐसा नहीं होता है, आप USB जितनी बार प्लगिंग कर लोगे वो ऑटोमेटिक ड्राइवर्स, अगर पहले से इंस्टॉल्ड है आपने दोबारा प्लगिंग किया है तो वर्क करना स्टार्ट करेगा, वर्क करेगा। कभी कभी ये केसेस आपके विंडो XP में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं PS2 के साथ में, जब आप विंडो XP यूज़ करते हो और वहाँ पे जब PS2 पोर्ट यूज़ कर रहे हो ना USB या माउस कीबोर्ड का, PS2 कीबोर्ड या PS2 माउस का, तो ये चीज़ें बहुत सारी बार आपके सामने आ जाएंगी कि आपने सिस्टम वर्किंग है, किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, आपने क्या किया दूसरा PS2 कीबोर्ड निकाल के उसमें प्लगिंग कर दिया, तो वो काम नहीं करता, काम करेगा तो टाइम लेगा क्योंकि उसके ड्राइवर से इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम होती है, या अगर आप रिस्टार्ट कर दोगे तो वो उसको रिकवर कर देगा, ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ को हटाने के लिए, स्पीड को फास्ट और ढंग से मैनेज करने के लिए USB पोर्ट है। USB में एक और प्रॉब्लम ये थी कि उसके जो छोटे छोटे पिन्स होते हैं ना, आप पिन के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपने थोड़ा सा भी उधर गलत तरीके से मूव करने की कोशिश की और आपने प्रेस कर दिया ना, उसके अंदर छोटी छोटी पिन्स होती हैं, वो टूट जाएंगे और आपका पूरा माउस खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर इन दोनों पोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कलर का सहारा लिया, इन दोनों PST कीबोर्ड भी है, PST माउस भी है, अगर दोनों में कलर नहीं देंगे तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि ये PST का पोर्ट है और ये कीबोर्ड का पोर्ट है, माउस का पोर्ट है। तो जो ग्रीन कलर का पोर्ट होता है वो माउस के लिए होता है, ठीक है, और जो पर्पल कलर का पोर्ट होता है वो कीबोर्ड के लिए होता है, और हमेशा जो पोर्ट होते हैं शायद राइट साइड में जो पोर्ट होता है ना आपके सिस्टम के, वो आपका कीबोर्ड का होता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो होता है बाहर के साइड पे वो आपका कीबोर्ड का होता है, और राइट साइड में जो होता है आपका वो माउस का होता है, और वो डिपेंड करता है आपकी मदरबोर्ड के ऊपर, उल्टा रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप देख भी सकते हो कि किसी किसी मदरबोर्ड में एक ही पोर्ट होता है PS2 का, एक ही पोर्ट होता है उससे कैसे है? और वो डिवाइड होता है, आधा कलर होता है आपका पर्पल का, आधा कलर होता है आपका ग्रीन का, तो वहाँ पे दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज 9 पे भी सेम कनेक्टिविटी है, PS2 की कैसे कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। जब आपके पास में PS2 कीबोर्ड या माउस है तो आपको ये देखना पड़ेगा उसके पिंस को एक बार मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको उसके जो पिंस होते हैं मदरबोर्ड में जो उसका जो सॉकेट होता है, सॉकेट से आप पिन को मैच नहीं कराओगे, अगर नहीं हुआ तो आप गलती से हल्का सा भी आपने प्रेस कर दिया, पिन उसकी इतनी नाजुक होती है वो टूट जाती है, और दोबारा उसको सही करने की कोशिश करोगे, एक बार ऐसे बैंड हुआ, दूसरी बार आपने ऐसे सही करने की कोशिश की, उतने में निकल जाएगा, पता नहीं पूरा कर उसमें एक ब्लैक बड़ी पिन भी होती है। हाँ, वो देखना पड़ेगा जिसकी तरफ वो बड़ा होल होता है ना, बड़ी पिन वाला, उसकी तरफ करके सीधा, बट उससे पहले आप देखोगे ना उसके ऊपर एक कनेक्टर होता है USB पोर्ट के ऊपर, अन्य USB माउस निकाल लें, USB माउस निकाल लें, इसी में से निकालो, इसी सिस्टम में निकालो, पीछे से निकालो, ये सॉरी USB में होगा, USB पोर्ट, आइडेंटिफिकेशन तो आपके पास में ये भी है कि इसके अंदर एक ठीक है, तो हो सकता है आपके पास में ऐसे कीबोर्ड भी मिले और माउस भी हो सकते हैं, तो उनको केयरफुली यूज करना पड़ेगा, और शायद बच्चों से ना लगवाएं, अगर बच्चों को पता नहीं है आप खुद से मैनेज करो तो बेटर है जी। सेम आपके कीबोर्ड के साथ में होता है, ठीक है। उसके बाद में इन सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी करने के बाद में आपके पास में सिस्टम रेडी है जी, क्या आप उसे ऑन कर सकते हैं। एक चीज़ जानना चाह रहा था, ये जो हम बात करते हैं प्रोसेसर की बात करते हैं और
सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, कहीं आप बाद में लिया है तो किस तरह से हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं डिफरेंट, उनकी क्या यूटिलिटी है, क्या उनकी यूज़ है और किस तरह से उनको हम जो है अपने कंप्यूटर में आइडेंटिफाई करते हैं। देखो सर, मैं आपको सीपीयू का पूरा जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, मैं सीपीयू के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा हार्डवेयर में कि आपकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऐसे होते हैं, जो सिर्फ पूछे जैसे रैम क्या होता है, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये वो सारी चीजें। अगर आप मतलब कंप्यूटर के बारे में जानना है, इसमें रैम कितनी, हार्ड डिस्क कितनी है, आपके नॉलेज के लिए आपको पर्टिकुलर वो स्टेप वाइज में आपको हार्डवेयर का कोर्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, हो सकता है मुझे भी ना आता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ। सेकेंड, हार्डवेयर में सिर्फ आपको इतना कवर कराऊंगा कि जब आप सिस्टम यूज कर रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप क्या क्या आपको करना पड़ेगा, जैसे सिस्टम आपने यूज किया, ऑन किया, नहीं चल रहा है, क्या डिस्प्ले नहीं आ रही है, क्या क्या वजह हो सकती है, लैन की वजह है या फिर SMBS की प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें कवर कराऊंगा जिससे आप अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, मैं प्रोग्रामिंग लेवल पे या फिर बातचीत उस लेवल पे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो जैसे सर ने बात कहा कि रैम का क्या रोल है, बाकी सारी चीजें, इन चीजों को मैं डिफाइन करूंगा, मैं आपको इन चीजों को सिस्टम को खोल के आपसे खुद कनेक्ट कराऊंगा, ये चीजें मैं सिस्टम को खुलवाऊंगा और आपसे बोलूंगा आप इन चीजों को लगा के दिखाइए, उनको लगाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, सो दैट आगे से अगर ऐसे सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो आपको ये आइडिया हो जाएगा ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप पास से परचेज करके आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। विंडो इंस्टॉलेशन सिखाने का मतलब ये है कि मैं आपको विंडो इंस्टॉलेशन सिखा दूंगा तो आपको ये स्टेप पता लग जाएगा कि ये चीज़ सामान आपके पास में होनी चाहिए और आप स्टेप से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, आपको किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपको 300-400 रुपये देने पड़ जाएंगे, वो भी पायरेटेड विंडो के, तो वो काम आप वहाँ पे जाके पैसे दोगे, बेहतर है कि आप यहाँ से मैं आपको सिखा दूंगा, इजीली आप उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो अपने स्कूल में, अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं पेज नंबर 10 पे, कंप्यूटर को ऑन होने में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ पे से बेसिक स्टेप्स हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि आपने सिस्टम को ऑन तो किया, मतलब सिस्टम आपके पास में रेडी है, तो आपने वायर्स भी कनेक्ट कर ली है, उसके बाद में जब आप सिस्टम का पावर बटन ऑन करते हो, सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन होते हैं चेक करने के लिए, वो ऑप्शन इसमें है कि आपको पावर को चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी पड़ेगी है या नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो सिस्टम ऑन ही नहीं हो सकता पहली बार, दूसरी कहीं आपका जो पोर्ट लगा हुआ है वो खराब तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, वो सारी चीज़ें, आपने जो केबल यूज की है पावर कोर्ड की वो खराब तो नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्यों करके चेक करना होगा, उसके बाद आप सिस्टम पे आओगे। अगर आपको केबल कैसे पता लग पाया कि वो सेम है सर, आपके पास दो केबल होती हैं, हाँ। ठीक है, आपके इसमें डिस्प्ले लाइट आ रही होगी, ऐसा तो नहीं दोनों साइड दोनों टाइम पे एक ही दोनों में खराबी हो जाए टाइम पे, तो वो पॉसिबिलिटी कम होती है, आपके पास में 10 सिस्टम होंगे, 10 में से किसी दूसरे केबल यूज करके देख लो, ठीक है, तो वो पोर्ट आप चेक कर लोगे ऐसे तो आपको पता लग जाएगा केबल डैमेज है या नहीं है, फिर केबल डैमेज हो जाएगी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह भी हो सकती है कि उसके आपके सीपीयू में लाइट ना आए, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखने के बाद में फाइनल ऑप्शन ये भी आता है कि जब आप सिस्टम को ऑन तो कर रहे हो, सिस्टम ऑन हो रहा है, कीबोर्ड में लाइट आ रही है लेकिन आपकी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आप क्या क्या चेक करोगे, आपकी LED में डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो फिर आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, नॉर्मली जो हम नॉर्मल सोचते हैं मेरा फोन नहीं चल रहा है तो आप क्या करते हो, पहले बैटरी तो नहीं डाउन होगी, बैटरी खराब तो नहीं होगी, बाकी ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना, सेम चीज यहाँ पे है, आपने सीपीयू को ऑन किया, सीपीयू में लाइट आ रही है आपको पता लग रहा है, ठीक है, और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या कैसे हो गया, एग्जैक्टली ये बहुत सारी गलतियाँ होती हैं
पावर बटन मैंने देखा है, कंपनी देखा है, ये पावर बटन दबा देते हैं एलईडी का, वो बंद हो जाती है। हां बंद हो गई। और हम यहां से कोशिश करते रहते हैं कि ये केबल खराब निकाल के फेंक देंगे, ये केबल निकाल के फेंक देंगे। बेसिक सा कांसेप्ट है कि हम सबसे पहले उसको नहीं देखते कि वहां से बंद नहीं है। तो सबसे पहले सर ये है कि यहां से तो नहीं बंद है। हां यहां से ऑन ऑफ कम के करके देखिए, हमने फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो फिर आप केबल को चेक करो। केबल के बाद भी अगर कुछ नहीं बन रहा है तो फिर आप टीएफटी को चेंज करके देखो, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन होता है, हो सकता है यहाँ पे लाइट आ रही है लेकिन जो प्रोसेसिंग सीपीयू की हो रही है वो नहीं दिखाई दे रही है, तो आपके पास में फिर बीजी चेक करो, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और कभी कभी क्या होता है कि आप सिस्टम को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में सिस्टम ऑन होता है फिर बंद हो जाता है, फिर ऑन होता है फिर बंद हो जाता है, इसका रीजन क्या होता है? एक तो गर्मी पे उस लाइन में हीट ग्लोबल हीट से ऑटोमेट कर देता है बिल्कुल, और बहुत सारे रैम ली हुई रैम में तीर रैम निकाल के दोबारा साफ करके डालना चल जाता है। अभी हम सिर्फ जो कंसेप्ट हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, रैम क्या होती है बाकी सारी चीजें होती है, मैं इनको यहाँ से खोल के दिखा दूंगा, ठीक है सर? बिल्कुल। और यह सर इसका लिथियम सेल होता है, वो डालना होगा सीमोस सेल। ओके और एक और है, आपका प्रोसेसर फैन है, अगर वो लूज होगा तो भी सिस्टम मीटिंग करेगा, तो भी सिस्टम मीटिंग करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे दिमाग में आइडिया आते हैं जब आपका सिस्टम बार बार ऐसे हरकतें करता है। तो सर सबसे बड़ा रीजन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यूस आनी चाहिए, मतलब जो बंद हो जाती है वाले को स्पार्किंग हो रही है तभी नहीं होगा, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप हमारा ये हुआ कि हम सिस्टम को खोलने की बजाय, क्योंकि हमें खोलने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। अगर आपकी विंडो बार बार ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रही है, एक बार उसे सेफ मोड में चला के देखो। हाँ, सेफ मोड में जैसे हम कस्टम विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, सेफ मोड वैसे ही काम करता है, इसमें वायरस वगैरह आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं ना।